मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हजरात ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पहुँचे। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आज हमने सालाना मचेल यात्रा के सिलसिले में एक बैठक रखी थी। इस बैठक का मकसद है सिर्फ मचेल यात्रा को हमने कैसे संपूर्ण करना है और इसको कैसे कामयाब बनाना है। इस सिलसिले में हमारी एक बैठक हुई है और इस साल का जो प्रोग्राम है 24 जुलाई को जहाँ जगराता होता है गुलाबगढ़ में संस्था की तरफ से, 15 जुलाई से 24 जुलाई तक मंदिर बंद हो रहता है और ये बात पूरे समाज में जानी चाहिए, यात्रियों तक पहुँचनी चाहिए कि हमारे परम अनुसार मचेल मंदिर जो है सावन की सती में बंद रहता है और 24 जुलाई को खुलता है। तो चेली 24 जुलाई को हम माता मचेल का जगराता यहीं करते हैं गुलाबगढ़ में। 25 जुलाई से यात्रा शुरू हो जाती है और 25 जुलाई से हर स्थान पर हमारे लंगर हर जगह लग जाते हैं, जो डिनर ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सारा बंदोबस्त करते हैं। और मचेल माता की पवित्र छड़ी जो है वो 18 अगस्त को जम्मू जैन बाजार से शुरू होकर यहाँ पहाड़ किश्तवाड़ के लिए रवाना होगी। इसलिए मैं एक बैठक मैंने अपनी संस्था की किश्तवाड़ कर दी है और आज यहाँ एक की थी पहाड़ में। 17 तारीख के किश्तवाड़ को मजीद हमारी बैठक है। 19 तारीख 20 तारीख को उधमपुर में एक बैठक है, जिस 20 के बाद फिर कोई बैठक नहीं होगी। जिस बैठक में हम लास्ट निर्णय लेंगे कि हम तमाम यात्रा की तैयारी करेंगे। गोया की सरकार के जिम्मे लगी है लेकिन सरकार की हम देखते हैं सरकार देख रेख नहीं कर सकती है। ये कारों में घूमते हैं, ये हमारे पैसे का दुरुपयोग करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते कि कहाँ क्या हो रहा है। हाल ही में कल मुझे यहाँ एक ठेकेदार भी आया और ये इसके साथ हमारे चौकीदार भी आए कुणेल से, उसने अभी कल ही मुझे बताया कि वहाँ वाइट वाश और दरवाजे खिड़की ठीक करके वाइट वाश कर रहे हैं लेकिन गंदगी कहाँ जाए, क्योंकि पिछले साल फ्लड आने से पीट पीट बह गए हैं, गंदगी ऐसे नाली में फेंक दो। क्या ये टेंडर हो सकते हैं या क्या यही है इनका तरीका है सरकार का? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई माता के पैसे का दुरुपयोग मत करो, ना माँ बख्शेगी ना हम संस्था वाले आपको बख्शेंगे, आपको हमारे साथ ही साथ देना पड़ेगा। मैंने आरटीआई भी लगाई है, आरटीआई में हमने मांगा है 2021-22 हमें अकाउंट दे दो, अभी तक ये अकाउंट शायद नहीं कर रहे हैं। काम कितना खर्च किया है और हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, टेंडर पर टेंडर निकाल रहे हैं। मुझे अफसोस है, एक डिविजनल कमिश्नर एक डिप्टी कमिश्नर, जबकि हाई कोर्ट ने इनको कोई आदेश नहीं दिया है, ये किस कैपेसिटी में हमारे मचेल यात्रा को चला रही? ये मुझे कोई, मैंने इनको सवाल दिया है, आरटीआई दिया है कि मुझे आर्डर दिखाओ आपको किसने साथ दिया है मचेल यात्रा चलाने की। उनके पास कोई आरटीआई नहीं है, जमानी सारा जमा खर्चा है, टेंडर निकालने की किसको इजाजत है? ये सर्वशक्ति से एक संस्था है, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी के अंडर रजिस्टर्ड है, ये सोसाइटी का पैसा जो होता है ये अवाम का श्रद्धालुओं का पैसा है, ट्रस्ट जो होता है ट्रस्ट जाति होता है, ट्रस्ट का पैसा जो है वो आप दो तीन आदमियों के निर्भर होता है, ये सोसाइटी का पैसा, ये पूरी सोसाइटी को पता होना चाहिए। अगर डीसी साहब खर्च कर रहे हैं उसने हमारी सोसाइटी को पूछना चाहिए ये पैसा मैं निकाल रहा हूं। पिछले साल यहाँ कोई यात्रा नहीं चली लेकिन 21 जुलाई 2007 को 14.5 लाख रुपए बैंक से निकाला गया। क्यों निकाला गया, किसके लिए निकाला गया, कोई अकाउंट नहीं। और मैं इन चीजों का तो मैं किसी को इल्जाम नहीं देता हूं लेकिन एक चीज है, चौकीदार हूं पहरा जरूर करूंगा कहां कहां आप खर्च कर रहे हैं, इसके लिए मैं कभी खलासी नहीं करूंगा। मेरी एक आपसे विनती है मीडिया के माध्यम से कि कम से कम आप भी सवाल पूछें आप किसकी जात से ये मचेल यात्रा चला रहे हैं।
किसका ऑर्डर है, कोई ऑर्डर है शो करो। हाई कोर्ट ने रिसीवर को हटा दिया, हाई कोर्ट ने इस मिचेल यात्रा को चलाने के लिए श्राइन बोर्ड कटरा और श्राइन बोर्ड अमरनाथ को इजाजत दी थी कि आप इस साल की देखरेख करें, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर कोई पालन नहीं हो रहा। अगर उन्होंने इनकार किया तो फिर संस्था को जब कोई दाग नहीं है फिर संस्था क्यों नहीं चलाएगी। लेकिन हमने माता के प्रति श्रद्धा रखी है, हम माता के प्रति काम करेंगे और करते रहेंगे। जिन्होंने तो आज देखा हम 40 साल से काम करें और हमने अपनी इस मचेल यात्रा को यहाँ तक पहुँचाया है, हम तो इसमें कभी कोताही नहीं होने देंगे न करेंगे। अगर हम पर जो इल्जाम थे अगर हम गलत होते तो फिर हाईकोर्ट क्या हमें बख्शता था। हाईकोर्ट ने हमारी संस्था को बाइज्जत बरी कर दिया, कोई इल्जाम नहीं, कोई कुछ नहीं। बाकी मेरी आपसे विनती है कि आप भी इस बात को थोड़ा दूर तक पहुंचाएं और हमारी इस पार्टी की इस जो मचेल यात्रा है इसको साजिश करने, बहुत बड़ी साजिश है इसको डैमेज करने की। एक मैं आपके माध्यम से इस बात को बहुत दूर तक आपने पहुंचाना है। 2018 में 31 दिसंबर 2018 इंटीरियर ऑर्डर हाईकोर्ट ने किया कि जितने भी माता के रिलेटेड अकाउंट है वो सारे क्लोज करो, लेकिन सरकार ने सिर्फ वो अकाउंट मचेल यात्रा को क्लोज किया, भद्रवा पकड़डंगा ढोली जब जितने भी सबों को खुला छोड़ दिया। क्या ये सरकार की यही जिम्मेदारी थी, क्या रसीवर का यही ड्यूटी थी? इस सिलसिले में मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हूँ और रिसीवर को भी पकड़ेंगे और इन डीसी जितने भी इनको भी पकड़ेंगे कि आर्डर अगर हाई कोर्ट ने ऐसा किया तो इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। और आज 25 फरवरी से डिसीजन हुआ है, 25 फरवरी को डिसीजन हुआ, हाई कोर्ट ने 7-6 मंदिरों की निशानदही दी। उन मंदिरों की निशानदही के बाद कहा कि ये सारे हवाले करो, आज तक उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, ना कोई पूछता है। पक्का डंगा में हमारा पैसे का इतना दुरुपयोग हो रहा है, अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, ना कोई देखभाल है। क्या इस डिप्टी कमिश्नर को इतना एहसास नहीं है? तू जरा पक्का डंगा भी जा कि मेरे पार्टी की, मेरे डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी कौन खुद बुद कर रहा है, क्यों नहीं जा रहे? सिर्फ यहाँ मचेल माता का जो अकाउंट हमने यहाँ बना कर रखा है इसी की तरफ नजर रख रहे, ये तो अफसोस की बात है। इन चीजों की तरफ आपने भी इस बात को लेना है कि अगर हाई कोर्ट का आर्डर था तो फिर रिसीवर जब डिविजनल कमिश्नर था उसने सबको क्लोज क्यों नहीं किया। इस बात के लिए हमें भी खदशा है कि यह साजिश जरूर है मचेल यात्रा को फेल करने। आज कितने 2 महीने से यात्रु जा रहे हैं, चटो यात्रा गए, मिंदल यात्रा गए, कई यात्राएं चली, हमारे रात दिन हमारे चौकीदार यहाँ सेवा दे रहे हैं और हम ही कर रहे हैं, सरकार का तो हमें कोई नजर नहीं आता है। और एक बड़ी अजीब बात है वो आपसे आप मैं शेयर करूंगा, वो ये बात है 2019, 20, 21 और 22 हमारा स्कूल चलता है सर्वशक्ति शिक्षा निकेतन, उन टीचरों को कोई पे नहीं इन 4 सालों में, अपने पैसे अपने लिए पैसे ये निकालते, लेकिन टीचरों को जो मुफ्त हम तालीम देते हैं वहाँ गांव के लोगों को कि उनके लिए किताबें भी नहीं, वर्दी भी नहीं, कोई ये नहीं, कुछ भी नहीं, अपने लिए पैसे निकालते हैं, उनको तनख्वाह नहीं। और इतने सालों में चौकीदार हमारे करोड़ों की प्रॉपर्टी की चौकीदारी कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह का भी कोई बंदोबस्त नहीं, अपने लिए होशियार है। फिर जिस बात का हमें दुख है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। प्रधान जी, अभी आपने यहाँ पर मीटिंग को भी तश्कील दिया और जैसे भी देखा गया है कि जब से भी यात्रा का यहाँ पर संचालन हुआ है और यहाँ पर कमरों की व्यवस्था बहुत ज्यादा है, लेकिन कोरोना काल में यहाँ से कुछ कमर ट्रांसफर हुए, क्या वो अभी तक इस स्टोर में पहुँचे हैं या नहीं? नहीं महाराज, उन्होंने एक कम्बल भी नहीं पहुँचाया है, न उस कम्बल के उसमें कोई अमाउंट हमें हमारी मेहता के खाते में दिया। 1600 कम्बल किश्तवाड़ भेजे थे और 100 कंबल 79-80 कंबल यहाँ रखे, लगभग 1700 कंबल 3-4 साल हो गए, ना उन कंबलों को वापस लाया था ना कुछ। पिछली बार यहाँ ये लोग
इन्होंने सरकार ने एक टिपर में रेड क्रॉस के कुछ कंबल भेजे जो सिर्फ नीचे बिछाने के होते हैं, लेकिन वो हमें क्या पता वो रेड क्रॉस ने कहाँ कहाँ किस कोरोना महामारी में यूज़ किए हैं, तो क्या उन कंबलों को हम अपने श्रद्धालुओं के यूज़ करने देंगे? मारने की कोई स्कीम है? बीमारी पार में फैलाने की स्कीम सर एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे कंबल जो हैं वो हमें पूरे 1700 कंबल हमारे गिन कर यहाँ दे दो, अदरवाइज हम खलासी करने वाले नहीं। नायक जी जी, अभी कुंडेल पुल अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हाँ जी, तो क्या यात्रा अपने निर्धारित समय से चलेगी? देखो ये चीज जो है, ये मैंने अभी भी कुछ बातें सुनाई थी, अफसोस है कि मचेल माता की इस यात्रा पर सरकार अपना पैसे अपना रोजगार सींक रही है। मुझे बताओ चसोटी पुल अभी लोगों के आम द्राफ्ट के काबिल था, उसको उखाड़ कर साइड पर किया और वहाँ क्रॉसिंग बना दी। जब ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो क्रॉसिंग कितने दिन की, जब पानी भर गया वो पुल बह गया, फिर दूसरी बार शर्म के मारे एक और बनाया वो भी बह गया। कुंडेल पुल बनाए क्रॉसिंग के लिए, क्या इंजीनियर लोग या एडमिनिस्ट्रेशन इतनी आंधी हो चुकी है कि वो दरिया के किनारे ही जाकर पुल बनाते हैं ताकि एक महीने में ये बह जाए ताकि हम दोबारा बनाएंगे? इन्होंने तो हमारे मचेल रोड पर रोजगार खोल दिया, ठेकेदारों के लिए भी और इंजीनियरों के लिए भी और अपने लिए भी, कमीशन जिनकी चलती है, कोई नहीं पूछ रहा है। मैं अपने पार्टी के नुमाइंदों से भी ये बात करना चाहूँगा कि कम अज कम 3 पुल 6 महीने में बह जाने, वो बनाने की इजाज़त किसने दी थी और ये बनाए किसने थे, इनके जितनी पेमेंट है उनसे रिकवर की जाए या उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इसकी पेमेंट रिकवर की जाए। आज ऐन मौके पर मचेल यात्रा का फिर वही हाल हो गया जो ना होना चाहिए था। क्या इनको ये ध्यान नहीं था कि मचेल यात्रा मार्च से स्टार्ट हो रही है, आज इनको याद आ रहा है कि ये क्या होगा अब, और ये सारा मचेल यात्रा को फेल करने की साजिश है? क्योंकि हमारी टारगेट था इस साल, हमारी यात्रियों कम से कम 4 लाख यात्रियों इस साल क्रॉस करने थे, लेकिन पुल एक हमारे लिए ऐसी जमीन खड़ा कर दिया। अब आज क्या किया है, उस पुल पर भी कल मेरे चौकीदार आए थे, संस्था के कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने कहा एक अमेंडमेंट बनाई और आर्मी टीम जो आई उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। बताओ वो कैसी इंजीनियर है जो अमेंडमेंट बनाकर रिजेक्ट होती है? इसका मतलब वो लापरवाही बरत रहे हैं, उसकी पेमेंट कौन देगा और कौन क्या करेगा? ये भी तो एक खाने की साजिश हुई है, आप नया तरीके से बना रहे हैं। अब फिर पता नहीं भगवान माता रानी जाने की, ये हमें धोखा तो हम लोगों को लग रहा है, संस्था को लग रहा है और संस्था के श्रद्धालुओं को लग रहा है। अगर हमारा पुल आज ही तैयार होता 24 तारीख से लाखों के हिसाब से लोगों ने आना था, लेकिन पुल नहीं होगा तो कहाँ जाएं माताएं बहनें बच्चे, वो कहाँ रोहिणी के रास्ते कहाँ पहुंच सकते? और फिर जो रास्ता कुंडेल टू चसोटी है वो तो बिल्कुल जितना बार बनाए उतने बार डैमेज, एक बार हफ्ते में बनाते हैं उसकी पेमेंट करते हैं, दूसरे हफ्ते में वो डैमेज होता है तो फिर दूसरे ठेकेदार बना देते हैं, कहाँ से रोजगार बनाकर खोल दिया यार, हद है। प्रधान जी एक आखिरी सवाल, यहाँ पर कई वर्षों से यात्रा भी चल रही है और जब से कोरोना काल में यात्रा बंद भी हुई है, लेकिन यहाँ पर जितने भी टेंडरिंग होती है, चाहे वो ग्राउंड की टेंडरिंग की जाए चाहे वो जहाज की टेंडरिंग की जाए, इसमें जितना भी पैसा कलेक्ट होता है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? क्या आपने जमीनी सतह पर देखा? अभी आपने बाथरूम की हालत देखी, आप खुद भी देख रहे हैं, इसके लिए आप किसको जिम्मेवार ठहराएंगे, किसको दोषी ठहराएंगे? ये जिम्मेदार सारी एडमिनिस्ट्रेशन, पैसा जो रियलिटी का आता है, माननीय अंग्रेज सिंह जी राणा के टाइम पर रियलिटी जब एक फैसला हुआ कि ये रियलिटी जो है माता मचेल की जहाज़ों की रियलिटी जो है ये सिर्फ पाडर में ही खर्च की जानी चाहिए और यात्रियों की सुविधा के लिए, ख्वाहे वो तत्वानी में VIP शेड बनाएं या लेबर शेड बनाएं, मचेल बनाएं, चसोटी बनाएं सिर्फ यात्रियों के लिए और उनके लिए बाथरूम वगैरह सारी, लेकिन इसके बरक्स ये रियलिटी रेड क्रॉस में भी देते हैं, ये रियलिटी BDO को भी देते हैं, ये रियलिटी PWD को भी देते हैं,
और उनके अपने फंड्स किधर हैं। सरकार तो यहाँ एक रुपया खर्च करके राज्य ने रियलिटी पर, मतलब आपका कहना है कि माता मचेल का ही पैसे का इस्तेमाल फंड्स में किया जाए और क्या रियलिटी। और आपको मैं ये टेंडर दिखाऊं, अभी मेरे फाइल में टेंडर काल हुआ है 2.5 करोड़ 2 करोड़ 20 लाख और वहां लिखा क्या है फंड्स अवेलेबल फंड्स रियलिटी। कहां से आई रियलिटी? डीसी साहब आप मुझे बताएं आपके पास करोड़ों की रियलिटी कहां आती है? माता मचेल के चढ़तल को, माता मचेल के पैसे को आप रियलिटी समझते हैं? इतने अंधे नहीं हम, ना इतने हम कमजोर हैं कि हम रियलिटी का पैसा वहां खर्च करने देंगे। हद हो गई है, ये उन्होंने कोई पूछने वाले नहीं। रियलिटी रियलिटी रियलिटी, मेरे पास टेंडर है, यहाँ फाइल पड़ी हुई है, मैं आपको फोटो भी दिखा दे दूंगा। और अपनी मर्जी से पैसा निकालते हैं, पैसा तब निकलता है जब हाईकोर्ट के आदेश होते हैं, ये बिना हाईकोर्ट के आदेश के पैसा निकालते हैं, अपने लिए निकालते हैं। लेकिन संस्था के कार्यकर्ता जो चौकीदारी कर रहे हैं, जो स्टोर संभाल रहे हैं, जो माता के सेवादार हैं, उनको लिए नहीं, जो स्कूल चलाते हैं उनके लिए पैसा नहीं, अपने लिए निकालते। ये उन्होंने क्या समझा? इसके लिए हमने कोर्ट में भी रुजू कर दिया है, ये भी हिसाब किताब लेंगे। पहले तो मेरी एक विनती है कि लेना, माता रानी ही लेगी इन सब से हिसाब, ये छोड़ेगी नहीं किसी को, क्योंकि मैंने अपना अनुभव किया जब से PIL लगाई गई, किसने हमारे साथ क्या बर्ताव किया, उस शख्स को नसीहत होकर वो यहाँ से हटा दिया गया है।